नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुसुम प्रसाद और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल। आप इस समय हमें लाइव देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का विषय लेकर आए हैं और चैप्टर 6 पढ़ेंगे आज हम, लाइफ प्रोसेसेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, आज के विषय से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी तरह के भी कोई प्रश्न है, आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dth.class10@cit.nic.in पर। इसके अलावा एक और माध्यम है जिसके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो है हमारा यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट में जाकर आप हमारे वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, तो इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा, जो एक्स वाइस चांसलर हैं MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से, प्राणी शास्त्र के अनुभवी प्रोफेसर हैं। सर, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो सर आज हमें, नमस्कार सर, सर आज हमें पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। तो प्रोफेसर जी, सर सर हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं और जब हम श्वास लेते हैं, तो ये भोजन और ऑक्सीजन हमारे विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचता है? बहुत अच्छा सवाल है कुसुम जी। जी, हमारे विद्यार्थी जिन्होंने 6ठा अध्याय पढ़ा हुआ है 10वीं का, उन्होंने लाइफ प्रोसेस माने हम जीवन की क्या क्या क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप सब लोग बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस के जरिए ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन ये ऑक्सीजन विभिन्न टिश्यूज तक, शरीर के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचती है? हमारे हृदय के और हमारे लंग्स के बहुत सारे संबंध होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके चारों तरफ ये नलिकाओं का एक जाल बना हुआ होता है, ये रक्त वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं। इसी तरह से यदि हम भोजन करते हैं, आपने अपने एक अध्ययन में ये देखा कि जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में भी हमारी छोटी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ देखिए ये पूरा जाल बना हुआ है, और जैसे ही हमारा भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये रक्त वाहिनियाँ हमारे भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। इसी तरह से जब भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ, यूरिया आदि का निर्माण होता है, तो आप देखिएगा ये ब्लड वेसल्स किडनीज के दोनों तरफ उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ये जितने भी लाभकारी सब्सटेंसेस हैं, इनको विभिन्न अंगों तक, विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ये देखिए शरीर की रचना है, इसके अंदर ये रक्त वाहिनियां हैं, आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, और मैंने इस भाग को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है कि किस तरह से हमारे शरीर के ऊतकों में, हमें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन ऊतकों के अंदर ये आर्टरीज के जो ब्रांचेज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, फिर अल्टीमेटली कैपिलरीज बन जाती है, वेन्यूल्स हैं, और ये देखें एक कैपिलरी, ये कोशिकाओं के चारों तरफ भी कोशिका दिखाई दे रही है, किस तरह से विभिन्न पदार्थों को लेकर जाती है, और ये निरंतर चलता रहता है। यदि ऐसा नहीं हो तो हमारा जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा जो शरीर है वो अल्टीमेटली हमारा जो विभिन्न पदार्थों को पहुँचाना, इसका एक लक्ष्य है कि कैसे भी ये पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाए। देयरफॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। यानी कि ये सारे कार्य करने के लिए हमारे अंदर हृदय होता है, विभिन्न रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स होती हैं, और रक्त होता है। और ये आप देखिए शरीर के अंदर किस तरह से ये निरंतर, अभी बहुत बढ़िया एक एनिमेशन है जिसके अंदर कैसे रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए ये शेड है, विभिन्न भागों में रक्त पहुंच रहा है, और फिर विभिन्न भागों में जाने के बाद में ये इकट्ठा करके, देखिए ये तो पहुंच रहा है,
और अब ये रक्त इकट्ठा होकर पुनः हृदय में आ रहा है। ये क्रिया हमारे प्रतिक्षण चलती रहती है, यदि ये क्रिया बंद हो जाए तो सारा काम बिगड़ जाता है शरीर का। तो एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम नेचर ने हमें दिया है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेशंस, हमने पहले जो अध्ययन किए उसमें देखा है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, और ये मिलके प्लाज्मा और कॉर्पसल्स मिलके बहुत सारे कार्य करती है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेटेड बाय द ब्लड, वी डज नीड अ पंपिंग ऑर्गन। देखिए ये सारी चीजों को पहुंचाने के लिए हमारे पास में कोई एक उस जगह की जरूरत होती है, उस ऑर्गन की जरूरत होती है, दैट इज ए पंपिंग ऑर्गन, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damage be put. So हमें अपने शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना है, क्योंकि रक्त के जरिए हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, हम खाने के बहुत सारे पार्टिकल्स पहुंचाएंगे। और ये आप एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी पुस्तक में भी सजेस्ट की हुई है कि कभी अवसर मिले आपको तो आप किसी डिस्पेंसरी जाएं, हॉस्पिटल जाएं या कोई वेटनरी सेंटर जाएं, क्योंकि रक्त के अंदर एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन, जो कि शरीर जो लाल रंग जो दिखाई देता है ना मेरे रक्त का, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक इसकी निश्चित मात्रा होती है, और ये जो डेटा उपलब्ध है कि मेल के अंदर 13.6 तक होता है, फीमेल के अंदर 12.1 से 15.1 होता है, बच्चों में 11.5-13 होता है। इसी तरह से हमारे जो कैटल्स हैं उनके अंदर भी ट्रेंड होता है, मेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, फीमेल में कितना है, और उनके बछड़े और छोटे बच्चों में कितना है। सो यू मस्ट विजिट, और आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करें जिससे आपको पता लगे कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है उसकी विभिन्न मात्राएं क्या है। सो विल डू वन मोर एक्टिविटी, व्हाई हार्ट इज रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी, भाई हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, एक सवाल मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा एक बार, मैं लेक्चर दे रहा था, सर हार्ट की क्या जरूरत है, ब्लड तो फ्लो कर सकता है। बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके पास में एक छोटी सी पानी की जो बोतल है और एक ट्यूब लें, और इस बोतल के अंदर आप कलर्ड पानी भर लें, इस ट्यूब को यहाँ पर डाल दें। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आप करके देखें, ये पानी यहाँ पर है और मेरे हाथ को देखिए, ये हाथ जो है इस पर प्रेशर नहीं है, जब हाथ इस बोतल पर प्रेशर डालेगा तो पानी देखें निर्धारित स्थान पर पहुँच जाएगा। यू कैन सी दी है ना, आप देख रहे हैं कि ये कलर फ्लूड धीरे से मेरे प्रेशर के, हाथ के प्रेशर के द्वारा ये जो निशान लगा रखे यहाँ पर पहुंच गया। ये छोटी सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करें और इससे आपको इसकी महत्वता का पता लग जाएगा कि हमें पंपिंग की क्यों जरूरत होती है। देखिए रक्त को यदि हमारा हार्ट पंप नहीं करता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे दूरस्थ भाग हैं, हमारे पैर के टोस तक भी हमको रक्त पहुँचाना है, ब्रेन तक रक्त पहुँचाना है, यदि उसको पंपिंग प्रेशर नहीं देंगे तो ये कैसे जाएगा। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये बताने की कि कैसे हमारे हार्ट कार्य करता है। ये सवाल आपके मस्तिष्क में भी आ रहा होगा, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर ये हार्ट क्या होता है, कैसे कार्य करता है। मैं आपको ही बता रहा हूँ, ये जो हार्ट है देखिए ये पंपिंग हो रही है, बहुत बढ़िया एनिमेशन है, आप अंदाजा लगाएं कि कैसे, ये जो मैंने छोटा सा एनिमेशन बताया ये अपने हृदय की रचना है, ऊपर ऑरिकल्स होते हैं नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना, राइट साइड में तो स्टैटिक पिक्चर है, ऑरिकल के अंदर संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, वेंट्रिकल के अंदर होता है, और इसकी सहायता से देखिए जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है आप देख रहे हैं कि ब्लड जा रहा है इधर एओर्टा में चले गया, जो रक्त शुद्ध है विभिन्न भागों में जा रहा है, और ये आ रहा है लंग्स से, और इस तरह से आना जाना ये वाल्व्स हैं आप देखें, तो लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में बहुत सारे वाल्व्स हैं, ये हमारी एक बहुत सिंपल सी रचना है, और जो हार्ट बीट करता रहता है ये प्रेशर डालते रहता है तो रक्त लंग से शुद्ध होकर, देखो ये लाल रंग का आ रहा है यहाँ पर, और ये फिर एओर्टा में चले गया, शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई होने के लिए चले गया। इसी तरह से विभिन्न भागों से कलेक्ट होता हुआ रक्त यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये नीला जो रंग दिखाया हुआ है ये अशुद्ध है, अशुद्ध माने इसको ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, इसके द्वारा किडनीज को पहुंचाना जिससे एक्सक्रीशन हो। तो मित्रों मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन की बारी बारी से धीरे धीरे संकुचन से और फैलाव से किस तरह से हमारा रक्त
विभिन्न भागों में पहुंचता है, विभिन्न भागों से आता है और कैसे लंग्स के अंदर ये साफ होने के लिए जाता है। मैं आपको और अच्छा एक बहुत बढ़िया एक ये सिमुलेशन दिखा रहा हूं। देखिए ये बहुत बढ़िया एक एनिमेशन है जिसके अंदर हार्ट के अंदर बीटिंग हो रही है। अपन देखते हैं दिल धड़कता रहता है, धक धक धक। आप सब लोगों का दिल धड़क रहा होगा, मेरा भी धड़क रहा है और ये किस तरह से रक्त आ रहा है और जा रहा है। देखिए ये रक्त का संचार, ये जो आपको जो लाल रंग जो दिखाई दे रहा है ना ये शुद्ध है और नीला रंग दिखाई दे रहा है ये अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी मिलावट आ गई है। और ये हमारे फेफड़ों से, देखिए फेफड़ों से आया और फिर ये हमारे एओर्टा बोलते हैं जिससे कि सारे शरीर को पहुंचाता है। फेफड़ों से आया और एओर्टा के द्वारा पहुंचाया गया, ये है हमारा शुद्ध रक्त। इसी तरह से हमारे शरीर के, देखिए और अच्छा चित्र क्लियर होकर आ गया। मैं आप इसको थोड़ा सा एक बार रोक के बता रहा हूँ कि ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स। चार चैम्बर्स हमारे हो गए ना, तो ये लंग्स से रक्त यहाँ पर आते हैं। देखो ये लाल आ गया और इस छेद में के द्वारा हमको पूरे शरीर में पहुंचाना है। इसी तरह से हमारे बिना केवा से अशुद्ध रक्त, जब हमारे रक्त में से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है विभिन्न टिश्यूज के द्वारा, हमारे ऊतकों के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, दे टेक द ऑक्सीजन एंड दे गिव बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसलिए ये नीला रंग है जो हमारी शिराओं में या वेन्स के अंदर दौड़ता है और यहाँ ये इकट्ठा होता है शरीर के विभिन्न भागों से, बिना केवा से, और ये कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, लंग्स को। ये देखो जब भी ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ये लंग्स को पहुंचा दिया जाएगा। लंग्स में इसमें ऑक्सीजनेशन हो जाता है और ये लाल हो जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको बताया हुआ है कि बहुत बढ़िया। और ये जो वाल्व है आप ये देख रहे हैं, ये सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, दीज आर दी वाल्व। ये देखिए वाल्व, आपने भी सुना होगा कि हमारे हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में वापस ब्लड फ्लो को रोकते हैं। एक तरफ ही ब्लड फ्लो आने देते हैं, दूसरी तरफ नहीं आने देते। इन वाल्व्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ में आप ये हार्ट देखें, इसके अंदर ये इसकी बड़ी ठीक वाल्व होती है। देखिए हमारे जन्म के बाद में लगातार धड़कता रहता है। प्रकृति ने हमें इतनी खूबसूरत ये परिस्थिति प्रदान की है कि हमारे शरीर में लगातार रक्त, जब हम पैदा हुए थे, हम माँ के गर्भ में थे, तब से हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करता है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करने के साथ में, जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, देखिए लंग्स या फेफड़ों के अंदर, ये चित्र अपनी आपकी पुस्तक में है, फेफड़ों के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है यानी कि ऑक्सीजन मिलती है। और ये पल्मोनरी वेन, इस रक्त को देखिए, सिर्फ फेफड़ों के संबंध में आर्टरीज और वेन्स में अंतर है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी वेन में शुद्ध है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर के द्वारा कलेक्ट किए हुए इस रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। यहाँ इसका ऑक्सीजन, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लेने के साथ में इसमें ऑक्सीजन मिल रही है, घुल रही है। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लाता है और लाके हमारे लेफ्ट ऑरिकल में डालता है। ये लेफ्ट है या राइट है, हमेशा चित्र के अंदर लेफ्ट राइट उल्टा होता है जो हम बैठे हुए देखते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में आया और इसके ऑरिकल के संकुचन के द्वारा ये तुरंत यहाँ पर वेंट्रिकल में आ गया। और ये वेंट्रिकल में आने के बाद में ये एकदम से जब इसका संकुचन होता है तो यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी को आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है और यहाँ बॉडी के अंदर इसका यूटिलाइजेशन होता है। जितने भी खाने की चीजें हैं, जितने भी भोजन है, ऑक्सीजन है, वो इसके अंदर से ले ली जाती है और फिर इस अशुद्ध रक्त को यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है। फ्रेंड्स दिस इज ब्यूटीफुल सिस्टम। जी सर, कमी, हाँ जी जी सर, आपने हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हृदय की रचना और उसके कार्यों के बारे में समझाया। प्रोफेसर शर्मा, हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जब कभी हमें कट लग जाता है तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है और कुछ ही समय के बाद वो बंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, कृपया हमारे स्टूडेंट्स को समझाएं। जी बहुत अच्छा सवाल है। हम निरंतर ये देखते रहते हैं कि कभी भी छोटी मोटी हमारी चोट लग जाती है, खुरच लग जाती है, पेट से कट लग जाता है और आप देखते हैं कि बहुत शीघ्र वो उसका रक्त बहना बंद हो जाता है। देखिए मैं स्लाइड के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ये एक स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड पर
एक रक्त की बुंदली और ये वैज्ञानिक इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं और इतनी तरह की विभिन्न कोशिकाएं नजर आ रही है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, लिम्फोसाइट्स, क्यूरोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे शरीर में निरंतर जब भी हमारे शरीर में बाह्य कोई भी हानिकारक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस जाते हैं तुरंत उनको खत्म कर देते हैं। और ये कोविड के दौरान में हमारे रक्त के अंदर इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि हम किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया। लेकिन आपको छोटी छोटी ये और दिखाई देती है, ये भी कई बार लोगों ने कहा कि मेरे ज्वाइंट मिस हुआ, मेरे कोविड हुआ, उसके बाद में प्लेटलेट्स घट गई। ये प्लेटलेट्स क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। हमारे रक्त के अंदर असंख्य छोटी छोटी सबसे छोटी प्लेटलेट्स ही होती हैं। ये प्लेटलेट क्या कार्य करती हैं कि जब भी कोई कट लग जाए, जैसा अभी कुसुम जी ने बताया कि कट लग जाए तो क्या, देखो ये कट लगा हाथ अंगूठी के अंदर, कहीं निशान लग, कट लग गया, चोट लग गई, खून बह रहा है, परंतु जैसे ही खून बह रहा था खून के साथ में देखो लाल रक्त कणिकाएं बाहर निकल के आती, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब इस खून को रोकना है, यदि नहीं रुका तो हमारा सारा खून खाली हो जाएगा। और ये बैकग्राउंड में देखो प्लेटलेट्स दिखाई देती है छोटी छोटी, कितनी बढ़िया खूबसूरत प्लेटलेट्स दिखाई दे रही है। तो ये क्या करती है कि जब भी प्लेटलेट्स को पता लगता है कि यहाँ पर चोट लगी, उस स्थान पर जाकर ये एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया करती है, हमारे रक्त के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करते हैं। सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम दैट इज रिलीज बाय द प्लेटलेट्स इन फाइब्रिन, और इसका एक जालिका बना लेती, नेटवर्क बना लिया जिसके अंदर ब्लड कॉर्पसल्स भी फंस जाती है और ये डाटा लग गया। जैसे कहीं भी कोई जगह लीकेज हो जाती है और हम डाटा लगा देते हैं, ऐसे ये डाटा लग जाता है और इससे हमारा खून का बहना बंद हो जाता है। मैं इसके एक बहुत बढ़िया एक बहुत सुंदर सा एक वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे, देखिए ये एक व्यक्ति बैठा है, इसके कट लग गया और कट लगने के बाद में कहीं इंजरी होने के बाद में ये एनिमेशन है, ये जो कट वाला स्थान है और कट वाले स्थान पर धीरे धीरे ये देखिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स या अन्य आके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। बहुत खूबसूरती से इसको समझाया हुआ है और इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ये देखिए। ये है कॉर्पसल्स प्लेटलेट्स, ये है प्लेटलेट्स सबसे छोटी। अब ये प्लेटलेट्स को पता लगा कि भाई वहाँ पर जो है लीकेज हो रही है, चलो वहाँ पर प्लेटलेट्स ने आए और इन्होंने आके फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त के अंदर थी, अभी आपको दिखाई देगी सफेद सफेद से धागे की आया, एक सफेद धागा आया, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये घुलनशील है और ये यहाँ आके प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा ये फाइब्रिन घुलनशील नेटवर्क के अंदर परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स बच्चों ये एक छोटा सा जिसको बाद में खुरन बन जाता है, यदि प्लेटलेट्स नहीं हो हमारे रक्त के अंदर तो हमारे शरीर में बहुत अंदर भी बहुत सारी लीकेजेस होती रहती है। हम खाना खाते हैं कोई फाइबरस पदार्थ चले जाता है और उसके बाद में पता लगता है कि वहाँ पर इंजरी होगी। देखिए कितना बढ़िया नेटवर्क बना लिया, अब इस नेटवर्क के बाहर खून निकल के नहीं जा सकता, खून अपना रक्त अपना चलता रहता है, कोई भी ये बैक्टीरिया वायरस कुछ भी इसमें से प्रवेश नहीं करते हैं, धीरे 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 और यहाँ पर हीलिंग भी हो जाती है और ये खुरन बन जाता है। देखिए ये कितना खूबसूरत दिखा रखा है, कई बार आपने देखा है इसको एक स्कैप जैसा बन जाता है उसको खुरन बोलते हैं। और इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का रिसाव रुक जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर न केवल रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, परंतु हमारे बहुत मजबूत लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जब भी ब्लड हमारे टिश्यूज के अंदर आता है तो कैपिलरीज से वो लीक होकर हमारे बहुत सारे सेल्स को वो भिगोता है, जिससे कि वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी, ब्लड कॉर्पसल्स भी आ जाती हैं, वहाँ पर कुछ प्लाज्मा रूपी सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं और ये बहुत सारे कार्य करता है। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा डिफेंस काम करता है। आप कभी देखते हैं आपके यहाँ पर कहीं चोट लग जाती है तो यहाँ पर एक छोटी सी गांठ बन जाती है, हमें घबराना नहीं चाहिए, ये लिम्फेटिक सिस्टम की रिस्पॉन्स है। और जहाँ पर कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर किया लिम्फेटिक सिस्टम ने उसको तुरंत उसको निकाल दिया। सो दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। दो दिन
pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. ये टिश्यू फ्लूड है, यही लिम्फ कहलाता है और इस लिम्फ के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स और हार्ट के अंदर पाए जाने वाली, हृदय के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी कॉर्पसल्स होती हैं जो कि मैंने आपको बताया। आपको मैं एक और, ये आप संभवतः कैमरा यदि इस ट्यूब पर कर देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। देखिए ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये इलास्टिक ट्यूब है। यदि मैं इससे पानी पहुँचाना चाहूँ दूर तो इसको भींचना पड़ता है ना। यदि अपन ये दोनों सिरों पर भींच लेते हैं तो इस पर वॉल पर प्रेशर पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आर्टरीज और वेन्स एक प्रेशर बेयर करती हैं। और फिर दूसरा मैं आपको एक छोटा सा और दिखाना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी सी जैसे आर्टरी है उसकी और ब्रांचेस होती जाती हैं, आगे तक ये छोटी होती जाती हैं, ये कैपिलरीज में परिवर्तित होती जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कार्य करता है। और इस कार्य करने के अंदर जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको मैं एक बार फिर आपको पीछे ले जाकर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कार्य करती है। ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर कहाँ भी टूट फूट होती है उन टूट फूट की मरम्मत करने के लिए काम आती है। और ये सिस्टम हमारे ऑक्सीजनेशन के अंदर काम करता है ना, जिससे कि आप भूल ना जाए कि हमारे रक्त के अंदर लगातार ऑक्सीजनेशन चलता रहता है। किस तरह से लंग्स के अंदर, देखिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी पोल्यूशन होता है एयर के अंदर तो हमारे लंग्स को बहुत दिक्कतें आती हैं। कोविड 19 के दौरान भी हमारे लंग्स की एल्वियोलाई पर दिक्कतें आई, लेकिन हम नियमित व्यायाम करें, हम नियमित एक्सरसाइज करें, हमारे लंग्स बहुत मजबूत होंगे। और उसकी एक ही वजह है कि इन लंग्स के द्वारा हमको शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुँचाना है। यदि हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो मैंने प्रारंभ में बताया था अच्छी मजबूत नहीं होगी, उनके चारों तरफ अच्छी कैपिलरीज नहीं होगी, उनके चारों तरफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होगा रक्त के अंदर, तो ये कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों का पहुँचाना, हमारे शरीर में कोई कट लग जाए उसको ठीक करना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म आदि को नियंत्रित करने के लिए हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। जी सर, मस्तिष्क में जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और मैं, मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि आजकल लोग ब्लड प्रेशर के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं, तो कृपया हमारे स्टूडेंट्स को ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए डिटेल में। बिल्कुल जरूर बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए बहुत बढ़िया चित्र है अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही, बहुत बढ़िया चित्र से बता रखा है कि हमारे ब्लड के अंदर भी एक दबाव होता है, प्रेशर होता है। आर्टरीज होती है ना हमारी धमनियां, आर्टरीज जब भी कॉन्ट्रेक्शन होता है, मैंने अभी आपको बताया वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है जो हमारे नीचे के दो चैम्बर्स का वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो हमारी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है क्योंकि ओर्टा से शुद्ध रक्त आता है। और ये हाथ की आर्टरी दिखाई दी है जो कि कोहनी के पास में दो भागों में विभक्त हो जाती है। इस समय पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है एक यंग के अंदर, एक युवा के अंदर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। 120 सिस्टोलिक का मतलब यह है कि जब संकुचित होता है ना, जब अंदर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो उस समय प्रेशर जो मर्करी प्रेशर है 80 होता है। इसको नापने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको नापने का तरीका क्या है, ये देखिए मैं अपने साथ में मशीन भी लेकर आया हूँ, आप चाहे कैमरे से दिखा सकते हैं कि इस तरह से मैं जो है अपने हाथ के अंदर, ये देखिए मैंने ये डाल लिया, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, कैमरे के अंदर मैंने डाल लिया। और ये मेरे बैंड जो है कोहनी का बैंड है, इस बैंड से करीब 1 या 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसमें दिखा भी रखा है। देखिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि 1 to 2 सेंटीमीटर अवे, जैसे कि इन्होंने दिखा रखे मशीन लगा रखी,
फिर इसके बाद में आप स्टेथोस्कोप लें। मैं देखो स्टेथोस्कोप लगाता हूँ अपने कानों में, और ये स्टेथोस्कोप क्या करता है कि हमें जो ध्वनि है ये सुनाई देती है, ये जो ब्लड प्रेशर के दौरान में आर्टरी के अंदर ध्वनि है सुनाई देती है। जब आर्टरीज क्लोज होती हैं, प्रेशर इनका 120 आर्टरीज बंद हो जाती है जब आपने इसको दबा दिया, और इसके बाद में एक ध्वनि आवाज आना ऐसे शुरू होता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, जैसे 120 आ गया, ये स्वस्थ व्यक्ति है जिसका लिया हुआ है। क्योंकि इस समय देखिए कि ये आगे के भाग में आर्टरी में जो ब्लड था ना, अब ये नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, और इस समय इस पर प्रेशर पड़ता है तो डप 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 की आवाज आती है। फिर धीरे धीरे एयर रिलीज, ये जो है ना ये बलून है, इससे एयर रिलीज करते हैं, एयर रिलीज करते ही और धीरे धीरे वापस ब्लड जो है ये आर्टरी के अंदर जाना शुरू कर देता है। ये जैसे ही ब्लड आर्टरीज में वापस जाकर नॉर्मल स्थिति आती है तो वो ध्वनि बंद हो जाती है। जैसे ही ध्वनि बंद होती है स्टेथोस्कोप के अंदर, इस स्टेथोस्कोप के अंदर जैसे ही ध्वनि चालू होती है बीट दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, और जैसे ही बंद हो जाती है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर 80 आया, बहुत बढ़िया है। तो ये स्थिति बताती है कि एक स्वस्थ मनुष्य है। फ्रेंड्स, इस ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पाइगोमैनोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर को जांचने की इसलिए जरूरत होती है, देखिए कई स्थिति में ऐसा बन जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आप अस्पताल जाएंगे, दवा लेंगे, वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने जीवन क्रियाओं में कहीं ना कहीं अनियमितता कर देते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, खान पान के अंदर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ जाते हैं, और ब्लड प्रेशर में यदि वेरिएशन आ जाता है तो उसमें हाइपरटेंशन भी हो जाता है। कई बार दिक्कत ये लिख रखा है, इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कई चक्कर आके गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में, इस लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको ये पूरा बताने की कोशिश की गई है कि हम अपने बारे में, दिस इज एक्सटेंडेड नॉलेज ऑफ कोर्स, लेकिन ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं, इनकी सहायता से हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म चलता है। अब मैं आपको बहुत जल्दी एक मिनट के अंदर हमने क्या क्या सीखा है बताऊंगा। व्हाट वी हैव लर्न्ड, व्हाट वी हैव लर्न्ड, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इन दी बॉडी। हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन और लाभदायक खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अपन ने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा, ऑरिकल पढ़ा, वेंट्रिकल पढ़ा, हार्ट के वॉल पढ़े, रक्त कैसे आता है, किस तरह से जाता है। इसी तरह से हमने फंक्शंस भी देखे, हार्ट के फंक्शन देखे, किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है, ऑरिकल्स के अंदर किस तरह से शुद्ध रक्त आ जाता है, फिर वो वेंट्रिकल में डाल दिया जाता है, वेंट्रिकल से एओर्टे के द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छी तरह पढ़ा, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। फिर मैडम ने जैसे पूछा, हाउ प्लेटलेट्स हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स जो हमारे रक्त कणिकाओं के अंदर जो होती है, हमारे ब्लड के अंदर होती है, वो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित प्लेटलेट्स से हमारे प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर जब भी कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उस घाव को बंद करने में, रोकने के अंदर, ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है। फिर हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, अरे भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे टिश्यू स्पेसेस हैं जहाँ पर ब्लूड होता है, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होते हैं और वो कैसे कार्य करता है, और अंत में हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर। सो फ्रेंड्स, हमने ये सारी जानकारियाँ इसलिए इकट्ठी की क्योंकि हमें अपने लाइफ प्रोसेस जो कि क्लास 10th के अंदर 6 चैप्टर के अंदर छठा अध्याय है, जी सर, के अंदर छठे अध्याय के अंदर ये है, और उसको हमने खूब अच्छी तरह जानने की कोशिश की और हम इसको अन्य हमारे लाइफ प्रोसेस से भी रिलेट कर लेंगे। जी प्रोफेसर शर्मा, आपने आज बहुत ही अच्छे से हमारे स्टूडेंट को आज का चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर और हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में, एक्टिविटीज़ और डायग्राम्स के माध्यम से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडेंट्स को इतना कुछ सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस
यस सर जी, कुसुम जी मैं भी बहुत खुश हूँ जी सर। लाइव प्रोसेस हमारी बुक्स के अंदर देखिए एनसीईआरटी एंड ईपीएम विद्या पाठ्यक्रम के द्वारा ना केवल हम विषय को समझ रहे हैं परंतु इस विषय के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के अंदर इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद सर। स्टूडेंट्स आज का विषय मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और हमें मैसेजेस दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं और दोबारा से आप रिवाइज कीजिए अपने बुक को और डेफिनेटली आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप कहीं मत जाइए, इसके बाद हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा और हम पढ़ेंगे उर्दू। तो देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल। नमस्कार।